पैदल चलना पड़ेगा भाई। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आ चुका हूँ मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आप लोग थंबनेल देख, टाइटल देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज के ऊपर वीडियो होने वाला। हम लोग अभी हैं रिवर साइड में। आप लोगों ने रिवर साइड में कभी अनास कैफे का नाम सुना है? अनास कैफे टेरिया बोल के एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है एंड वी आर गोना रिव्यू द हेल आउट ऑफ इट। चलिए ज्यादा लेट ना करते हैं, अंदर चलते हैं क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, वीडियो कैरी ऑन करने से पहले एक डिस्क्लेमर बता दूं कि ये रेस्टोरेंट वन ऑफ माई मेरे लाइफ टाइम में देखे हुए रेस्टोरेंट में से सबसे बेस्ट एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट में से एक है एंड आई कैन ट्रूली से दैट। तो चलिए ज़्यादा वगैरह वगैरह ना करके वीडियो को स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए क्योंकि अब सिनेमैटिक शुरू हो रहा है। अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हम लोग का पहला आइटम आ चुका है, क्या वो है? वेज चाउमीन। वेज चाउमीन का प्राइस है आपका 50 रुपीज पर प्लेट और देख सकते हैं बहुत ही भारी मात्रा में क्वांटिटी में दिया गया है। थोड़ा सस्ता ऑलरेडी, प्रीतम पता है आपको, वो पहले खाए बगैर रुकेगा नहीं। तो अभी लेते हैं हम लोग का फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट काके जो पता चला जिसका क्रंचीनेस बरकरार है, इस तरह से सागी नहीं हुआ है, चाउमीन झुरझुरा है और साथ में हम लोगों को दिया जाता है विनेगर प्याज, तो थोड़ा सा टैंगनेस इसके साथ मिल ही रहा है इसके साथ, प्लस टोमेटो सॉस केचप ये सब तो है ही। थोड़ा सा भी केचप देकर मैं ट्राई करना चाहूंगा हल्का सा, और केचप देख के लग रहा है ये हॉट गार्लिक है। अब देख सकते हैं कैप्सिकम के बड़े बड़े पीसेस भी हैं, हम रियल एक्साइट हैं। तो लिया जाए, मच बेटर विद द सॉस। ऐसा ये आपका जो प्याज दिया गया विनेगर प्याज उसके साथ थोड़ा सा ट्राई करता है, यही कंच का कमी था इसमें। सो गाइस, ज्यादा बका बका ना करके चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। सो गाइस, आज का हम लोग का नेक्स्ट आइटम वो है हम लोग का देसी छोले भटूरे। प्रीतम का मुंह से झाल खिनकर चाउमीन खा के कौन सुसू करता है यार, मजा कर मना कर रहा था कासुंदी मत खा, हो गया ना, मिल गया बस मजा। सुसू कर रहा था तब से बोल रहा, झाल झाल लग रहा है इसको। सुसू कर रहा है मतलब वो नहीं आवाज। अरे अरे अरे, दिखा तुम देना दो यार, इतना बड़े बड़े देख सकते हैं छोले भटूरे एंड वेटेड है बहुत। जहाँ पे देखते होंगे गोल गोल खुला खुला मिलता है छोला भटूरा, वो एयरेटेड होता है, पतला होता है बहुत ज्यादा, उस वजह से क्या हो जाता है कि पापड़ जैसा कभी कभी फील होता है। ये थोड़ा सा मोटा है, जस्ट लाइक गौरव। आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा हल्का सा इलास्टिकी है और ये अच्छी बात है क्योंकि छोले भटूरे में इलास्टिकी होना जरूरी होता है। छोले में थोड़ा सा डुबा के परफेक्ट बाइट, इसको बोलने देते हैं। मैं खाते रहता हूँ, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपने आप लोगों को ये हरा चटनी दिया जाता है, अचार दिया जाता है, सलाद दिया जाता है और छोला आप दोबारा ले सकते हैं मांग के, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा, जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। कभी कभी कोई ऑकवर्ड होता है जो मांगने में हिचकिचाता है, तो ऐसे थोड़ा सा मांगने में कोई दिक्कत नहीं के लिए एक बाइट मेरी तरफ से, जो मैं ही खाऊंगा मस्त खाने में, आप लोग रियली एंजॉय कीजिएगा। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट आइटम मिलते हैं। सो गाइस, आपका हम लोग का नेक्स्ट आइटम ये है आपका कश्मीरी पुलाव एंड कश्मीरी पुलाव आप लोग जरा सा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब फ्रूटी फ्रूट से सजाया हुआ ऊपर में, सेब दिया हुआ है यहाँ, अंगूर दिया हुआ ऊपर में, काजू और साथ में चेरी भी दिया गया। कैसा लग रहा है जेली? हेवी लग गया देखते। वैसे बता दो मेरे पास में कौन है जेली, इंस्टाग्राम को नीचे दिख रहा होगा इसके इसके ऑलरेडी मैं एक बार खा चुका हूँ इसको, ऑलरेडी लोग इसको तबाह कर चुके हैं, फिर हम अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग लेते हैं राइस को प्लेन ट्राई करते हैं बिना कोई ग्रेवी के साथ एंड हर बार मेरा किस्मत में ये पता नहीं क्यों आ जाता है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे बेकार चीज़ है। हाँ नहीं खा, ये खा ये ऐसे ये वैसे बता दूँ फन फैक्ट, ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम लोग खाने के लोग आते हैं लेकिन खाते नहीं है इसको। तो चलिए इसको खाया जाए। वाओ वाओ वाओ, हल्का मीठापन है और फ्रूटीनेस भरा हुआ है, कह सकते हैं यूज करना ज्यादा उचित रहेगा। और ज्यादा भारी मात्रा में फ्रूट है, मेरी पुलाव में सही में फ्रूट रहता है एंड इट रियली नेल्ड इट। रेस्टोरेंट सही में मेरे उम्मीदों पे अभी तक जितना भी सामान मुझे मिला है इट्स रियली रियली नाइस एंड अभी मुझे फील हो रहा है
के रेस्टोरेंट बहुत आगे जाने वाला। जस्ट वाओ, वन वर्ड वाओ। राइस को जो खा रहे हम लोग विदाउट कुछ ग्रेवी के साथ खा रहे, अभी इतना अच्छा लग रहा है। राइस जो है परफेक्टली कुक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि राइस जो होता है वो अंडर कुक हो जाता है कहीं कहीं, तो हार्ड लगता है, या डे ओल्ड राइस यूज किया जाता है तो वो हार्ड लगता है। यहाँ राइस परफेक्टली मतलब अपना सेप बरकरार भी रखा हुआ, टूटा हुआ भी नहीं है, साथ में बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल है। हर एक राइस के दाने ने फ्लेवर को एब्जॉर्ब किया है। एंड अब हम लोग थोड़ा सा ग्रेवी के साथ ट्राई करते हैं। जल्दी तो भाई रुके नहीं जा रहा, तो जरा सा हम लोग ग्रेवी लेते हैं। एंड लेते हैं चिकन, ये देख सकते हैं जरा सा ग्रेवी डाल रहे हैं हम लोग ऊपर से। एंड ये देख सकते हैं बड़ा सा चिकन का एक पीस, देख सकते हैं लेग, देखिए मुँह में पानी आ रहा है आप लोग का, मेरे तो आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा लेते हैं ये लेग का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, और थोड़ा सा ग्रेवी के साथ राइस को मिक्स करते हैं। जली हैव अ बाइट, उठाओ, मेरा गिरे ही जा रहा है बाबा। चलो चीयर्स। ग्रेवी का जो टेस्ट है बिल्कुल होम की तरह भाई, घर में जैसा चिकन बनता है वैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ना ज़्यादा झाल, ना ज़्यादा मसालेदार, ना ज़्यादा ऑयली, परफेक्ट बैलेंस किया गया चिकन मसाला। वैसे प्राइस बता दूँ, जो कश्मीरी पुलाव है वो 120 रुपीज़ है, और जो आपके सामने दिया गया चिकन मसाला वो आपका 170 रुपीज़ पर प्लेट है। बहुत बड़े बड़े साइज के चिकन दिए गए हैं एंड एक्सट्रीमली जूसी है। इतना देर, अभी रात के 10 बज रहे, आई गेस इतना देर हो जाने के बाद भी चिकन जूसी मिलना बहुत मुश्किल होता है कोई भी रेस्टोरेंट में, इतना रात को यहाँ मिल पा रहा है वही बहुत बड़ा बात है। और सेकेंड, कपल फ्रेंडली जगह है, आप लोग आइए आराम से एंजॉय कीजिए। पार्क से निकल के शाम के टाइम पे चाय पकौड़ी के लिए भी परफेक्ट जगह है। एंड अगर थोड़ा रात में अगर आप आ रहे हैं इस साइड में, क्योंकि इस साइड में बगल में जाके नदी है, नदी साइड बहुत सारे आदमी जाते हैं, बस भी आपको मिल जाएगा इजीली, आप लोग वहाँ से पकड़ के आ सकते हैं। रिवर साइड का बस यहाँ पे स्टॉपेज करता है, जस्ट ब्रिज से पहले ही है। और एक जॉब अगर आपको सुसाइड करने जाते हैं ऊपर चेंज जाता है। इस तरह से डार्क बातें मत कीजिएगा। सो गाइस, ज्यादा बकवास ना करके यही पे होता है वीडियो कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी चलते हैं हम लोग, वीडियो कंप्लीट करते हैं। जेली का इंस्टा और प्रीतम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। यहाँ का लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज चेक इट आउट। एंड चलिए, ज्यादा बकवास ना करके टाटा, अलविदा, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।